सत श्री अकाल। डीसीसी लुधियाना की तरफ से हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे बीच गुरदीप सिंह सप्पल जी हैं, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट के एडमिन अटैचे हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और आप लोगों से के बीच से आए हैं। राज्यसभा टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं, तो अब आपके सामने गुरदीप सप्पल जी अपनी बात रखेंगे। चीफ एडिटर जी, चीफ एडिटर, सत श्री अकाल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम और इतने आए हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रोज हो रही है। आज एक सवाल है, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया है और एफिडेविट दे के बोला है कि वो हर बूथ का जो फॉर्म 17C है वो डेटा नहीं दे सकते, और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वोटिंग का डेटा देना उसके लिए मुश्किल है। हमारी इलेक्शन कमीशन से ये अपील है कि चुनाव के अंदर लोगों का विश्वास बना रहे, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन का काम केवल चुनाव को सुचारू रूप से करना नहीं है, लोगों में विश्वास भी जगाना है। और खुद चुनाव आयोग के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, देश भर में हमारे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और करीब 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव आयोग के अपने डेटाबेस से, जिसको वो एनकोर डेटाबेस बोलते हैं, उससे हमारे कैंडिडेट्स को बूथ लेवल की डेटा दे दिया गया, लेकिन पूरे देश के अंदर बहुत सारी जगह खुद रिटर्निंग ऑफिसर इसको डेटा देने से मना कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से, उनके अफसरों की ओर से एक भ्रम पैदा हो रहा है कि कुछ जगह पर वो डेटा दिया जा रहा है, कुछ जगह पे डाटा नहीं दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग से ये अपील है कि वो अपने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दें कि जैसा उन्होंने करीब 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में फॉर्म 17C का एनकोर डेटा जो कंप्यूटर का डेटाबेस है उसमें एक्सेल शीट आती है, वो डेटा हमारे कैंडिडेट्स को दिया है, तो देश में सभी कैंडिडेट्स को चुनाव आयोग वो डेटा दे। ये नहीं हो कि कहीं पे चुनाव आयोग का एक निर्देश काम कर रहा है, कहीं पे चुनाव आयोग का दूसरा निर्देश काम कर रहा है। अगर चुनाव आयोग के अलग अलग निर्देश अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे तो जनता में सवाल उठेंगे और ये देश के लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए अपील हम कर रहे हैं कि कृपया करके एनकोर डेटा चुनाव आयोग सभी कैंडिडेट्स को दे, जिसका मिलान हम अपने बूथ एजेंट से कर सकते हैं और चुनाव के अंदर जो हमारा विश्वास है वो जनता तक हम पूरी तरह पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, कल एक बहुत वीडियो जारी हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का, और उन्होंने दावा किया है कि वो शायद सिर्फ बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है अपनी माता जी के, उनको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, अवतार लिया है। अब ईश्वर जिसको भेजते हैं उससे तो सवाल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो कल चिट्ठी भेजी खड़गे जी को, कांग्रेस के अध्यक्ष को, और कहा कि आप डिफेंस फोर्सेस के बारे में अब कुछ नहीं बोलेंगे, डिफेंस फोर्सेस के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, उस बारे में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज हम कह रहे हैं कि मोदी जी तो हो सकता है ईश्वर के भेजे हुए हों, लेकिन अग्निवीर योजना मोदी जी की सरकार की है, उसका सवाल तो हम पूछेंगे। और हम बार बार ये सवाल पूछेंगे कि अग्निवीर योजना शुरू करके मोदी सरकार ने युवाओं से नौकरी क्यों छीनी, मोदी सरकार ने हमारी जो फौज है, जो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज है, उस फौज का सिस्टम चेंज करके उसको टेम्परेरी फौज बनाने का काम क्यों किया है, क्यों उन बच्चों को, जो कि बच्चे कई कई साल तक ट्रेनिंग करते हैं फौज में क्लियर करने के लिए, आम तौर पर हम देखते हैं कि जिस बच्चे को जवान बनना होता है वो 5-5 साल ट्रेनिंग करता है, 5 साल ट्रेनिंग के बाद 4 साल की नौकरी दुनिया में कहीं नहीं होती है। इस सिस्टम को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी वायदा कर रही है कि हम आएंगे तो ये सिस्टम मोदी सरकार ने शुरू किया। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने अपनी पहली चुनावी रैली की थी हरियाणा के अंदर 2014 में चुनाव के अंदर, और कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन मैं लाऊंगा, और आज 10 साल के बाद ना तो रैंक बची जवान की ना पेंशन बची। 1 रैंक 1 पेंशन से 9 रैंक 9 पेंशन तक जो वो फौज को लेकर आए हैं, हम उसके निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, देश भर से जमीन से बात आ रही है कि बीजेपी जा रही है, मोदी जी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, रिटायरिंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं,
कुछ दिनों में रिटायर हो जाएंगे और अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करके कांग्रेस पार्टी रेगुलर भर्ती लाएगी। इलेक्शन कमीशन ने एक और हमको बोला कि डिफेंस फोर्सेस के बारे में कांग्रेस पार्टी सवाल नहीं उठाए। हम डिफेंस फोर्सेस के बारे में सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि इस देश की जो सबसे बड़ी फौज है, दुनिया की दूसरे नंबर की फौज, वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई है। और मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उसके पहले हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी ने एक न्यूक्लियर पावर बना दिया था। न्यूक्लियर पावर मोदी जी ने नहीं बनाया। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस पावर कांग्रेस ने बनाया था। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी नेवल पावर कांग्रेस ने बनाया था। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी पावर कांग्रेस ने बनाया था। तो जो फौज को हमने परमाणु पावर बनाया, जिस फौज को हमने स्पेस पावर बनाया, जिस पावर को हमने फौज को आईटी पावर बनाया, जो दुनिया की दूसरे नंबर की फौज है, उस फौज के गौरवशाली इतिहास को कांग्रेस पार्टी के इतिहास के साथ जोड़कर हम देखते हैं। हमें केवल ये पूछना है कि बीजेपी के नेता जो आज ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो शायद परमाणु अस्त्रों को ख़त्म करेगी, वो किस आधार पर पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? चुनाव आयोग लगातार जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बात शुरू की थी यहाँ से कि 400 सीट जीतने जा रहे हैं और करते करते यहाँ आ गए कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो न्यूक्लियर वेपन गायब हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी तो घर का पानी कट जाएगा। तो यहाँ तक जो पूरा चुनाव का कैंपेन आया है उसके बारे में चुनाव आयोग ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है, कोई इसमें अभी तक इंटरवीन नहीं किया है और लगातार इस देश के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि झूठ के आधार पर भ्रम है। उस भ्रम के खिलाफ हम लोग आज खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम का झूठ का जो सिस्टम मीडिया के सहारे खड़ा किया गया है, झूठ का सिस्टम जो सोशल मीडिया के सहारे खड़ा किया है, उसको हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हम लोग आएंगे तो हम मीडिया को, आप सबको, आप सब मेरे मीडिया के साथी हैं, मैं, मेरा करियर वही रहा, उसको दोबारा से ज़िंदा करना, ये हमारी तीसरी हम बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी आएगी तो जिस तरह से मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता था लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ, जब आप निकलते थे सड़क पर तो अगर आप ये कहते थे कि मैं पत्रकार हूँ तो लोगों की आंख में इज्जत होती थी, जब आप ये कहते थे कि मैं पत्रकार हूँ तो लोग पूछते थे सवाल कि सच इनको पता होगा, लोग अखबार पढ़कर घरों में कहते थे कि ये तुम्हें कहाँ से पता चला, तो लोग कहते थे मैंने अखबार में पढ़ा है, अखबार में लिखी बात को सच माना जाता था। वहाँ से मीडिया को 10 साल में मोदी जी वहाँ ले आए हैं जहाँ मीडिया में काम करने वाले व्यक्ति को आज अपने घर के अंदर ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। हर पत्रकार की आज ये स्थिति है कि पत्रकार को नौकरी करनी है, नौकरी छोड़ नहीं सकते, लेकिन पूरा मीडिया जो कि चौथा स्तंभ था, वहाँ से करते करते मीडिया को मजाक का पात्र जो मोदी जी ने बनाया है उसको हम बदलेंगे। हम आएंगे, सबसे पहले जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक्ट है, उसको चेंज करेंगे, उसको मजबूत करेंगे ताकि मीडिया अपने आप को नियंत्रित करे, मीडिया सरकार के नियंत्रण से बाहर आकर सेल्फ रेगुलेशन पे दोबारा वापस आए। दूसरी बात जो हम इसमें करेंगे वो ये करेंगे कि फेक न्यूज़ के ऊपर अब कार्रवाई होनी चाहिए। जो फेक न्यूज़ मीडिया के तहत फैलाई जाती है तो प्रेस काउंसिल के तहत हम उसको चेंज करेंगे। तीसरी चीज़ जो हम इसमें करना जा रहे हैं मीडिया के अंदर कि एक लॉ लाएंगे और पत्रकारों, और यहाँ पे पंजाब में भी ये देखा गया, इसमें केवल बीजेपी गुनहगार नहीं है, यहाँ की सरकार ने भी जिस तरह से मीडिया को दबाया है हम सब जानते हैं। तो हम एक लॉ लाएंगे जिसके अंदर ये लॉ में होगा कि पत्रकारों के फ़ोन जब्त करना, पत्रकारों के गैजेट जब्त करना, पत्रकारों की गिरफ्तारियाँ बेमतलब में करना, उनके सोर्स बताने के लिए उन पर दबाव डालना, इसको बंद किया जाए। मीडिया इंडिपेंडेंट तभी रहेगा जब पत्रकार इंडिपेंडेंट रहेगा। पत्रकार के सोर्स, पत्रकार के फ़ोन, पत्रकार के गैजेट्स और पत्रकार की गिरफ्तारी पे हम लोग रोक लगाएंगे, इसको मजबूत करेंगे लॉ को। ये तीसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं। और एक बात हम करेंगे जो हमने देखा 10 साल के अंदर, एक ही व्यक्ति का टीवी चैनल, एक ही व्यक्ति का अखबार, उसी का रेडियो, उसी का इंटरनेट, ये दुनिया में नहीं होता।
जितनी भी दुनिया के अंदर विकसित लोकतंत्र देश हैं उन सब के अंदर मीडिया क्रॉस होल्डिंग की परमिशन नहीं होती। अगर आप अखबार चलाते हैं तो आप टीवी नहीं चला सकते, अगर आप टीवी चलाते हैं तो आप रेडियो नहीं चला सकते। भारत के अंदर हमारी सरकार इस बात को दोबारा इंट्रोड्यूस करेगी, मीडिया की क्रॉस होल्डिंग को हम लोग बंद करेंगे और मीडिया में एक कंपनी, एक व्यक्ति केवल एक तरह का मीडिया चला सकेगा, ये कानून हम लोग लाएंगे।